हिमाचल में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि कुदरत कातिल बन गई है। तीन दिन पहले हिमाचल के लाहौल और स्पीति में ऐसी बर्फबारी हुई कि सैकड़ों पर्यटकों की जान पर बनाई। हिमालय की सुंदर वादियों में ट्रैकिंग के लिए गए देसी विदेशी सैलानी जहां तक बर्फ में फंस गए, टेंट तंबू सब बर्फ में दब गया। मुसीबत की इस घड़ी में भारतीय सेना, वायुसेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वीर जवानों ने कातिल बर्फ के बीच सबसे कठिन बचाव अभियान चलाया। मंगलवार को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। पहले दिन 305 लोग रोहतांग टनल के जरिए मनाली लाए गए। कल 367 सैलानियों का सुरक्षित निकाला गया और आज भी बचाव अभियान जारी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बर्फ में फंसे उन सैलानियों की जिन्हें रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेना और वायुसेना के वीर जवानों ने इस कातिल बर्फ के बीच ये कठिन बचाव अभियान शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए सेना और वायुसेना का बचाव अभियान चलाया गया और लगातार लोगों को बचाया जा रहा है। पहले दिन 305 लोगों को रोहतांग टनल के जरिए मनाली लाया गया। कल भी 367 सैलानियों को सुरक्षित निकाला गया और आज भी बचाव अभियान चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाहौल से अब तक 672 लोगों को बचाया जा चुका है। हिमाचल में कातिल कुदरत का कहर और इस बीच हेलीकॉप्टर से चलाया गया था सेना और वायुसेना का बचाव अभियान। और कितनी बर्फ है आप देख सकते हैं और इसके बीच फंसे हुए देसी विदेशी सैकड़ों सैलानी। लाहौल घाटी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुदरत के कहर के बीच फंसे हुए सैलानी जो आए तो थे वादियों में स्कीइंग करने, मौसम का मजा लेने, लेकिन भारी बर्फबारी के बीच फंस गए। और इस बीच हमारे जवानों ने चलाया है ये बेहद खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। लगातार लोगों को बचाया जा रहा है और लाहौल से अब तक 672 लोगों को बचाया जा चुका है। सेना वायुसेना का हेलीकॉप्टर के जरिए चलाया गया बचाव अभियान। देखिए जहां भी नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ हमें नजर आ रही है और इस खतरनाक बर्फ में फंसे हुए हैं सैकड़ों सैलानी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार बर्फ में फंसे लोगों को निकालने के लिए मनाली और कुल्लू से उड़ान भर रहे हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर से बचाव की रफ्तार काफी धीमी है। अब तक सिर्फ 45 लोगों को ही हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा सका है। जिन लोगों के पास अब तक बचाव टीम नहीं पहुंची है उनके लिए हेलीकॉप्टर के जरिए खाने पीने का सामान गिराया जा रहा है। और इस हादसे में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है जिसमें सेना का एक जवान भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अब भी लाहौल घाटी में 100 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालात बहुत कठिन हैं, भारी बर्फ है और हेलीकॉप्टर के जरिए बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है आगे ये रेस्क्यू ऑपरेशन। ट्रैकिंग के लिए देसी विदेशी सैलानी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे थे यहाँ क्योंकि बर्फबारी के चलते फंस गए। और ये कल की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको मनाली में किस तरह देखिए खाना और जरूरी सामान ड्रॉप किया जा रहा है। लाहौल से अब तक 672 लोगों को बचाया जा चुका है। लगातार हमारे जवान हेलीकॉप्टर से ये बचाव अभियान चला रहे हैं और साथ ही साथ राहत सामग्री, खाने पीने का जरूरी सामान भी ड्रॉप कर रहे हैं। बेहद कठिन परिस्थितियों में ये पूरा अभियान चलाया गया है। अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह हेलीकॉप्टर के जरिए ये जरूरी सामान पहुंचाया गया। तो जहां बचाव टीम नहीं पहुंच पा रही है उनके लिए ये सामान गिराया जा रहा है। और 3 लोगों के मारे जाने की भी खबर आई है जिसमें सेना के एक जवान भी शामिल है। और ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की है। आप देख सकते हैं किस तरह ये बचाव अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल के चंबा में बाढ़, बारिश और रास्ते बंद होने की वजह से जिला स्तरीय खेलों में हिस्सा लेने आए करीब 800 बच्चे फंस गए हैं।
इन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। इन बच्चों के साथ ही करीब 400 टीचर्स भी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुधवार को 480 बच्चे और शिक्षकों को सुरक्षित निकाला गया, बाकियों को आज निकालने की कोशिश हो रही है। सारे लोग इस वक्त चंबा के पर्वतारोहण संस्थान में ठहरे हुए हैं। जिला प्रशासन बच्चों और शिक्षकों के खाने पीने और जरूरत की चीजें मुहैया करवा रहा है। हिमाचल के चंबा की तस्वीरें आज सुबह 9 बजे की हैं, जहां 800 बच्चे फंस गए हैं और उनके साथ साथ उनके टीचर्स भी यहां फंसे हुए हैं। ये बच्चे आए थे जिला स्तरीय खेलों में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन खराब मौसम के चलते यहां फंस गए। बुधवार को आपको बता दें 480 बच्चों को यहां से बचाया गया। ये छोटे छोटे बच्चे जो कि कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने आए थे, इनके साथ इनके टीचर्स भी भारी बारिश के बीच फंस गए। हिमाचल प्रदेश के चंबा की आज सुबह 9 बजे की तस्वीरें देखिए। अभी तक इसमें हमने पांगी, चंबा, गहरा, भरमौर ब्लॉक, गरोड़ा, कियानी, मैला और आपका हरदासपुरा के यहाँ से जो ब्लॉक थे उसके बच्चों को और टीचर्स को यहाँ से अभी तक हमने यहाँ से रेस्क्यू करके चंबा के लिए भेज चुके हैं। ऐसे ही जैसा ही अभी आपके सामने ही है कि थोड़ा मौसम भी ख़राब हो रहा है और थोड़ा शाम भी होने वाली है, जैसे भी यहाँ से हमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम जाते हुए शिफ्ट करा देंगे जल्द से। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई सड़कें बंद हो गई हैं। कुल्लू से मनाली को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पतली कुल के पास ब्रिज के टूट जाने से बंद हो गया। 23 सितंबर को बादल फटने की वजह से नदी में ऐसी बाढ़ आई कि ये ब्रिज बीच से ही ढह गया। इस पुल के बंद होने की वजह से लाहौल स्पीति में फंसे पर्यटकों को निकालने में भारी परेशानी हो रही है। पिछले 4 दिन से लगातार कुल्लू से मनाली नेशनल हाईवे पे कटा हुआ है। आखिर क्यों, ऐसी क्या सड़क पे हुई? एबीपी न्यूज पहुंचा है उस स्पॉट पे जहां से नेशनल हाईवे पे रोड धस चुकी है, पुल गिर चुका है और मनाली को जाने वाला रास्ता बंद किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक जगह पतली पुल के पास जहां से मनाली बिल्कुल 22 किलोमीटर दूर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस पुल की है जो बारिश के कहर से धस चुका है, ढह चुका है, ये डैमेज हो चुका है और गाड़ियां यहां से आगे, कोई भी बाइक गाड़ी आगे जाना संभव नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारी बारिश के कारण ये पुल नीचे बैठ गया है। तस्वीरों में आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि भारी बारिश जब नदी का पानी ऊपर तक उठ चुका था तब ये पुल नीचे बैठ गया, ये टूट गया। ये इकलौता नेशनल हाईवे है जो यात्रियों के लिए, व्यापार के लिए रास्ता था एक, जो पिछले 4 दिनों से कटा हुआ है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से ये पानी ऊपर तक आ चुका था। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे नीचे की, जहां से पानी आया था हम वहां पे जाने की भी कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं वहां तक जहां पे नेशनल हाईवे डैमेज हुआ है, जहां पे मनाली को जाने वाला हर रास्ता कट चुका है। सारा ट्रैफिक एक स्टेट हाईवे से डाइवर्ट किया गया है। एक फुटब्रिज को गाड़ियां जाने पे मजबूर कर दिया गया है क्योंकि वो फुटब्रिज ज्यादा वजन नहीं झेल सकता, लेकिन प्रशासन के पास, सरकार के पास कोई भी रास्ता नहीं था उसके अलावा। यहां से मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दिखाएं तस्वीरें दोबारा से कि कैसे ये पुल टूटा है, कंप्लीट डैमेज हो चुका है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है ये वो मेन पुल है नेशनल हाईवे का जो डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से मनाली कट चुका है। अभी तक बहुत से लोग लाहौल स्पीति में फंसे हुए हैं। यहाँ के अधिकारी बता रहे हैं कि ये पुल की रिपेयर करने में अभी समय लगेगा, यानी कि नेशनल हाईवे मनाली को कनेक्ट करने के लिए अभी कुछ दिन और लगेंगे। प्रशासन ने और ट्रैफिक पतली पुल से तकरीबन 6-7 किलोमीटर पहले एक फुटब्रिज से डाइवर्ट किया है स्टेट हाईवे पे, जो अभी इकलौता रास्ता है मनाली जाने के लिए। कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ अमनदीप दीक्षित, एबीपी न्यूज, पतलीकुल, मनाली। 4 दिन पहले मनाली में ब्यास नदी ने कैसी तबाही मचाई थी याद होगा आपको। एक पूरी वॉल्वो बस ब्यास नदी में समा गई थी। एबीपी न्यूज की टीम अब उस जगह पहुंची जहां ये हादसा हुआ था। अब वहां का क्या हाल है देखिए संवाददाता अमनदीप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिमाचल की तबाही मंडी से दिखाते हुए अब मनाली तक पहुंचे हैं। पहले मंडी, कुल्लू, पतलीकुल और अब एबीपी न्यूज आपको ग्राउंड जीरो पे मनाली पे लेके आया है। हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार मनाली के एक वॉल्वो बस स्टैंड से एक वॉल्वो पानी के बहाव में चली गई थी,
कैसे गई थी और कहां से गई थी। हम इस वक्त उसी वॉल्वो बस स्टैंड पे मौजूद हैं जहां से एक वॉल्वो पानी के बहाव के साथ बह चुकी थी। ये तस्वीरें मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहीं पे वो सफ़ेद रंग की वॉल्वो खड़ी थी जो बारिश के कारण नदी का पानी ऊपर आने पे पानी के अंदर पानी के साथ बहके चली गई, बिल्कुल किनारे पे लगी थी वो वॉल्वो बैक करके। और भी आगे जाके आपको तस्वीरें दिखाएंगे, तकरीबन 10 फुट नीचे है अब जो पानी है, अब 10 फुट नीचे है। हालांकि उन दिनों पानी 10 फुट ऊपर आ चुका था, बारिश का प्रभाव इतना था, मौसम खराब था, बाढ़ आ गई थी, नदी में पानी का जो लेवल था वो बहुत बढ़ चुका था। यहाँ इस जगह पे ये वॉल्वो खड़ी थी, यहाँ से पहले उसके पिछले टायर दरिया में गए, फिर सारी की सारी वॉल्वो पानी के बहाव के साथ निकल के आगे निकल गई। हम आपको बता दें कि ये वॉल्वो बस स्टैंड जो है वो नेशनल हाईवे पे है जो मंडी से निकल के मनाली तक पहुँचता है, और अब ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सारा वॉल्वो बस स्टैंड है, एक वॉल्वो बस यहाँ पे अभी भी खड़ी है, सफ़ेद रंग की ये वॉल्वो बस उस दिन भी यहीं पे खड़ी थी जिस दिन यहाँ से दूसरी वॉल्वो पानी के बहाव में चली गई। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि उस तरफ एक बार कैमरा घुमाएं ताकि हम नेशनल हाईवे की वो तस्वीरें आपको दिखा सके जो हिमाचल की सरकार ने फोर लेन का प्रोजेक्ट बनाया था। ये जेसीबी मशीन जो खड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये उसी फोर लेन पे खड़ी है जो अब बिल्कुल टूट चुकी है। यहाँ पे नई फोर लेन बन रही थी हिमाचल बाईपास की, ये मनाली से निकलती हुई आगे निकलनी थी, ये आप टूटा हुआ जो सारी सड़क पत्थर देख रहे हैं ये सारा फोर लेन का हिस्सा है। ये वो फोर लेन थी जो हिमाचल सरकार ने शुरू करवाई थी, मनाली से लेके चंडीगढ़ तक फोर लेन का प्रोजेक्ट था ताकि लोगों को परेशानी ना हो, ट्रैफिक मैनेज हो सके। लेकिन एक बारिश ने ये सारा तहस महस करके रख दिया, सारी तबाही मचा के रख दी। नेशनल हाईवे टूटने की वजह से बस सर्विस, स्पेशली वॉल्वो बस सर्विस बंद हो चुकी है और ये बस स्टैंड अब एक सुनसान जगह बना हुआ है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, ये वही वॉल्वो का बस स्टैंड है जहां से सफ़ेद वॉल्वो पानी की रफ्तार के साथ बह गई थी। वो वॉल्वो के लोगों के बताने के मुताबिक वो वॉल्वो के टायर आगे फंसे हुए हैं और चेसी टूट के आगे फंसी हुई है, यानी कि पूरी की पूरी वॉल्वो तहस महस हो चुकी है। लोगों ने बचाने की प्रयास भी किया लेकिन नाकामयाब रहे। कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ अमनदीप दीक्षित, एबीपी न्यूज मनाली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।